मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अंबेडकर नगर जिले में 2122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को सभी ने देखा। देश तेजी से बदल रहा है। डबल इंजन की सरकार लोगों को लाभ पहुंचा रही है। 56 लाख गरीबों को आवास की सुविधा मिली है। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, अराजकता नहीं है। युवाओं को नौकरी दी जा रही है। पहले नियुक्ति निकलती थी और चाचा भतीजा की सरकार में लूट मच जाती थी। और इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया। आज यहां पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी पत्र, नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था, मिल पाता था। भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और गांव हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है तो कहीं उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम ने मिशन रोजगार योजना के तहत नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें 39 नए डिप्टी कलेक्टर और 41 नए डिप्टी एसपी मिले। वे सभी उत्तर प्रदेश की गति को बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। जब सरकार ईमानदारी से काम करती है तो धारणा में समग्र परिवर्तन देखा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे, मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है।